ये देखिए मम्मी यहाँ पे अभी भिंडी काट रही है। भिंडी, ये भिंडी का छिलका नहीं है, ये आम का छिलका है। वो आम का छिलका, इतना सारा भिंडी देखिए काट लिया। आज भिंडी का भी सब्जी बनाएंगे, भिंडी का तरकारी झमार के। हाँ। और आम काटे हैं, आम का गुड़म्मा बनाएंगे। फिर से एक दिन और बनाए थे ब्लॉग में, आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अभी भी जा रहे हैं, भिंडी का सब्जी है, गुड़म्मा मुर्गा और रोटी बनाएंगे। एक खाना है रात का, भाई को बत्ती जलाई नहीं है फ्रेंड, अंधेरा सा आ रहा होगा, उठ के जलाने में इसको इतना असकत लग रहा है, चौड़ जला दिए मोबाइल का। चलिए आप लोग देखिए आज खाना में अभी हम कैसे बनाते हैं भिंडी और गुड़म्मा रोटी, बने रहिए वीडियो में। रात का भी 8:30 हो रहा है। देखिए भिंडी कट गया फ्रेंड यहाँ पे, अब इस तरीके पे बैठे बैठे काट लिए, कपड़ा नहीं बिछाया था, कड़ी भिंडी काटना था। हम जा रहे झटपट खाना बनाने के लिए, टाइम हो गया है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आम काटे हुए जा रहे गुड़म्मा बनाने, ये भिंडी है, भिंडी का सब्जी बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे चटनी पीस रहे थे दोपहर में आम का, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आज आम ही आम हो रहा, आम का शरबत बना था, आम का गुड़म्मा बना, आम का चटनी बना, भिंडी का सब्जी है, रोटी बनेगा। चलिए वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हम आ गए किचन के पास, और भिंडी लेके और मसाला भी पीस लिए थे, तेल भी चढ़ा दिए थे, मेथी का फ़ोरन डाल दिए हैं उसमें, आलू काट दिए थे क्योंकि सानिया भिंडी नहीं खाती है फ्रेंड, बहुत ऐसा सब्ज़ी नहीं खाती है इसलिए आलू डालना पड़ता है सब्ज़ी में। उधर आम चढ़ा दिए थोड़ा उबालने के लिए कि गल जाएगा तो ठीक रहेगा, मतलब गुड़ में गलता नहीं है आम। पिछले दफ़ा खुरुच के डाला था, इस बार लंबा लंबा सानिया नींबू बोली थी कि मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा करने के लिए, तो हम उसे गला रहे हैं उसको फ्रेंड। और यहाँ पर मसाला भुना गया था, मसाला में हल्दी मिर्चा लहसुन प्याज गुल मिर्च वही जो रहता है नॉर्मल सा, तो मसाला भूंज के हम भिंडी आलू भूंज रहे हैं फ्रेंड। वो धीमी धीमी आंच में भिंडी इसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आम भी उबल रहा था, और देखिए मसे इसका क्या कहते हैं गुड़म्मा का हम तेल चढ़ा दिए फ्रेंड, और उसमें ना रिफाइन क्या डाल के और इलायची और लौंग डाल के उसका बघार गुड़ डाल दिए थे यहाँ पे, ये पिघल रहा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, आम उबला हुआ है बस उसमें डाल देंगे, ये थोड़ा खोलेगा गाढ़ा हो जाएगा तो रेडी हो जाता है फ्रेंड। यहाँ पर सब्जी भी रेडी हो गया था, सानिया का 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड, इसीलिए हम मतलब ब्लॉग नहीं बना रहे हैं। वो उसका सर में दर्द हो जा रहा है बार बार पता नहीं क्यों, और हल्का फीवर सा भी हो जा रहा है, तो उसका तबीयत नहीं, दवाई खा रही है ठीक हो रहा है फिर हो जा रहा है। आज भी उसका मन ठीक नहीं था, आज जॉब पे गई है, दवा खा ही के गई है, अब देखते हैं अभी नहीं ठीक होगा तो डॉक्टर को दिखा देंगे। और इसके यहाँ पे देखिए फ्रेंड आम हो गया, खोल गया, 11 हो जाएगा तो आम हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सब्जी और गुड़म्मा मेरा दोनों रेडी है, आटा भी सान लिए फ्रेंड, तो रोटी अभी हम बनाएंगे। रोटी बनाने के बाद देखिए फ्रेंड रोटी भी बन गया, स्लैब वगैरह पोस दिए, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ सपोर्ट की जरूरत है फ्रेंड, प्लीज़ दुआएं देते रहें, सपोर्ट करते रहें। अभी बज रहा है 9:30, अभी सानिया नहीं आई है, अभी आती होगी सानिया, और सब काम हो गया, अभी सानिया का इंतजार कर रहे हैं फ्रेंड। खाना बन गया है, सायका गई हुई है नानी के यहाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, तो सायका वहाँ नानी के यहाँ से सायका और आंटी सब मुलुक गई थी, गाँव गई थी मतलब शादी में रिलेटिव के, तो वहाँ पे का थोड़ा सा वीडियो भेजिए तो आप लोग को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो प्लीज़ देख लीजिएगा मतलब बगीचा में घूमी थी फ्रेंड, तो वहाँ पे आम लगा हुआ है, लीची लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था व्यू रहा था। सायका सब वीडियो शूट की है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत की, उसके पास तो फ़ोन नहीं था, आंटी का फ़ोन था, तो थोड़ा बहुत शूट करके वो वीडियो बना के हमको भेजी थी देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आम लीची सब अपने ही मतलब रिलेटिव जो है उन्हीं का है सब बगीचा वगैरह, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड। और अभी सानिया आती है तो हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। चलिए वीडियो आज यहीं तक रहा छोटा सा, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप लोग से, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बस रात का डिनर आप लोग से शेयर करना था मैं क्या बनाई, और सायका का वीडियो देख के जाइएगा, गाँव का ब्लॉग है, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी हम टेंट के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे कल हल्दी लगा था दुल्हन को, कहाँ गए, यहाँ पे, शी वॉज लुकिंग सो प्रिटी। यहाँ पे इतना सारा आम लगा हुआ है, वहाँ छोटी हम लोग सबको लाला जा रहा है, और यहाँ पे कितने सारे लीची है, अब वो देखिए माली जी हम लोग एकदम घूर घूर के देख रहे हैं कि कहीं तोड़ लेगी तो सट के लेके ना ना मैं तो ले गया, वो देख लीजिए कि कितना इतना सारा। आजा चलो खुशी देख, ये देखिए हमारा गांव, मेरा तो नहीं है बस हम यहाँ पे शादी के लिए आए हैं, यहाँ पे सबके घर हैं, वहाँ पे मुर्गी है, यहाँ पे कल हल्दी था, यहाँ पे कल हल्दी था, और ये सब है गांव। यहाँ पे पता नहीं क्या है, बरंडा बोलते हैं इसको, आंगन आंगन है ये, यहाँ पे कल हल्दी लगा था दुल्हन को,
बहुत सारा मज़ा आया था। यहाँ पे केला का पेड़ है, लीची का पेड़ है, आम का पेड़ है, वो वाला जो पेड़ दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ ये वाला, इसमें आम लगे हुए, ये वाला इसमें कितना सारा आम है देखिए। ये सब जो भी घर दिख रहा है आपको सब हमारे रिलेटिव्स का है, सारा घर हमारे रिलेटिव्स का है। यहाँ पे लीची लगा हुआ है बहुत सारा, एक तो मैं केला भी देखा था। यहाँ पे बत्ती से सब सज गया है आज रात के लिए, यहाँ पे भी सज रहा है, यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है और हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके।